यूएस में जी डी नंबर्स रिलीज़ हुए हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर और उसके मुताबिक जी ग्रोथ पब्लिश हुई है 1.1 परसेंट लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 2 परसेंट यानी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट हाफ uh, जो है वो जी डी नंबर्स आए हैं और उसके बाद से मार्केट ने रैली की है यानी कि जो रिस्क ऑन स्टॉक्स हैं नैसटेक एंड एंड बिट वो रैली किया है वो क्यों क्योंकि क्यों बैड न्यूज इज गुड न्यूज यानी कि अब मार्केट सम ये एक्सपेक्ट कर, एक। एक। कर रही है कि क्योंकि इकॉनॉमी स्ट्रगल कर रही है इकॉनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है तो फेडरल रिजर्व जो है रेट पॉज करेंगे पहले उसके बाद फिर वो प्रिवर्ट करेंगे तो इस नैरेटिव के बेस के ऊपर मार्केट जो है वो रैली कर रही है अच्छा अब इसमें देखना ये है कि हमने कब तक इन जोकरों की बात को फॉलो करना है यानी कि पहले उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन ट्रांजिट हो रही है डोंट वरी अबाउट इट फिर उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन स्टिक ही है वी हैव टू रेज रेट्स जब रेट्स उन्होंने एग्रेसिवली हिस्टोरिकली इतने अग्रेसिव रेट्स हाइक नहीं की उसके बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिक लो है ये यील्ड कर्व बकवास है इसको फॉलो नहीं करना चाहिए और अब कह रहे हैं कि रिसेशन होगा लेकिन माइल्ड होगा तो आप कब तक इन जोकरों की बात पे ट्रस्ट करेंगे हम जैसे लोग जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है भाई तो हमारा काम यह है कि हमें उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है जो कि फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं और यह जो गवर्नमेंट पब्लिश नंबर्स है ना इनको पंच ऑफ सॉट से लेना है यानी कि जी डी जो पब्लिश कर रहे हैं ये भी हाईली मेन्यटेड है वो क्यों क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड है और इन्फ्लेशन तो है ही मैन्यटेड सी को जिस तरह से मैन्यट करते हैं एवरीबडी नोज यानी कि इस वक्त अगर आप नाइनटीन के हिसाब से इन्फ्लेशन को मेजर करें जो कि शेडो स्टाइट्स वाले लोग करते हैं इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके मुताबिक इन्फ्लेशन अभी भी डबल डिजिट्स के अंदर है तो ये कब तक आप इनको फॉलो करेंगे क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं ये फेक हैं यार ये सारे फेक नंबर पब्लिश करते हैं खैर एनी वे हमारा काम यह है कि हमने अपने आप को इन्फॉर्म रखना है इन तमाम चीज़ों से इन तमाम जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं यील्ड कर्व इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर टू प्रोडिक्टनॉमिक स्लो डाउन इन द नियर फ्यूचर जो अब हमें बता रहा है कि इन्फ्लेशन तो स्टिकी है ही है लेकिन रिसेशन जो है इस कमिंग एट अस 800 हंड्रेड एन आवर तो ये चीज़ें हमने अपने रडार के अंदर रखनी है क्योंकि जब इन्फ्लेशन आएगा तो इट्स गोइंग टू बी ए नेस्टी वन गाइस क्योंकि हर तरफ जॉब कट्स हो रही हैं कंपनीज अपनी अर्निंग्स रिलीज कर रही हैं उनको मिस कर रही हैं यूल कर्व प्रेडिक्ट कर रहा है चीफ जी के भाई समथिंग इज़ रियली गोइंग टू बी हैपनिंग वेरी वेरी बिग तो कीप एंड ऑन दीज थिंग्स और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको इन चीज़ों से आगा करता रहूँगा पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सी यू माई नेक्स्ट वीडियो